नमस्कार, मी सचिन मोरे, आपण पाहताय जनादेश वृत्तवाहिनी। पाहूयाच्या काही सविस्तर बातम्या। अग्रगण्य बार्बीक्यू रेस्टॉरंट चेन एब्सोल्यूट बार्बीक्यूने आज आपले 45वे रेस्टॉरंट उघडले आहे। एबीने पवई नंतर आता वाशीमध्ये आपला विस्तार केला आहे। एब्सोल्यूट बार्बीक्यूला केवळ ग्राहकांचीच काळजी नाही तर सामाजिक जबाबदारीचे देखील भान आहे। ते सामाजिक जाणीवेतून कार्य करण्यासाठी देखील प्रयत्नशील आहेत। ब्रँडने आपल्या 45व्या आउटलेटच्या प्रारंभाच्या वेळी रेज ऑफ होप मिनिस्ट्रीज या मानवतावादी स्वयंसेवी संस्थेसोबत हातमिळवणी केली आहे, ज्यांचा दृष्टिकोन आणि ध्येय निराशाजनक जीवनात आशा आणणे, गरजूंसाठी काम करणे आणि गरिबांच्या कल्याणासाठी बदल घडवून आणणे आहे। गरजू दुर्लक्षित वंचित अशी रेज ऑफ होप मिनिस्ट्रीज एनजीओ मधील सुमारे 25 ते 30 मुले लॉन्च दरम्यान येथे आली आणि एबींच्या संपूर्ण वरिष्ठ व्यवस्थापन आणि टीमने मुलांबरोबर चांगला वेळ घालवला। आम्ही नेहमीच हाच प्रयत्न करतो की आमच्या ग्राहकापर्यंत आम्ही पोहोचू आणि वाशी बऱ्याच काळापासून आमच्या नजरेत होती आणि आम्ही आता तिथे हे एबीची स्थापना करत आहोत, असे एबीचे सीईओ आशिष रॉय यांनी म्हटले। महाराष्ट्र में इंटर किए और पुणे में हमारे ऑलरेडी 4 रेस्टोरेंट हैं। ये मुंबई में हमारा दूसरा रेस्टोरेंट है। हमने जो है 19 में ओपन किया था हमारा पवई में और ये हम अभी 2021 में ओपन कर रहे हैं। हम इसको और पहले भी ओपन करना चाहते थे, परंतु जो सेकेंड वेव आया उसकी वजह से हमें थोड़ा लंबा समय देना पड़ा। और जो एब्सोल्यूट बारबेक्यू की खासियत है वो ये है कि हम पूरे भारतवर्ष में जाने जाते हैं हमारे स्वादिष्ट व्यंजन के लिए, और हमारा जो USP है वो फिक्स प्राइस है, अनलिमिटेड का कॉन्सेप्ट है। इसमें आप एक अनलिमिटेड खाना खाने को मिलता है एक फिक्स प्राइस लेकर के। इस वक्त हमारा इनॉग्रल ऑफर चल रहा है 25% ऑफ। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा जो हमें इस वक्त देख रहे हैं अपने TV स्क्रीन पर या मोबाइल पर, आप वाशी में हमारा रेस्टोरेंट नया ओपन किया है, हमने शुरुआत किया है, प्लीज़ आइए खाइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का लाभ। मैडम, आज जो है हमारे लिए एक बहुत ही चर्चित करने वाला दिन है। पहला दिन है हमारा वाशी में, और ये जो होप फाउंडेशन से जो बच्चे आए हैं हमारे पास, कुछ अनाथ है, इनके माँ पिता जी के साथ नहीं है, इनके चेहरे पर थोड़े समय के लिए इसे हम खुशियाँ ले आना चाहते थे। उनको शायद ये इस तरह का हाई इंडस्ट्री में जाकर के खाना खाना नसीब नहीं होता होगा। तो हमने हमारे तरफ से ये प्रयास किया कि ये जो आज का शुभ मुहूर्त है, शुभ दिन है, इस दिन हम ये बच्चों को अपने यहाँ इनवाइट करें, बुलाएं, और हमारे छोटी सी पहल से हो सकता है कि और भी जो दूसरे रेस्टोरेंट होंगे या जो दूसरे लोग होंगे उनको भी ये प्रेरणा मिलेगी कहीं ना कहीं कि उन्हें भी इस मुहिम में शामिल होना चाहिए। और हम सब ऐसे लोगों के लिए अपने स्तर पर कुछ ना कुछ जरूर। कैमरामैन सौरभ जाधव सह कोमल जनादेश वृत्तवाहिनी करता।